आज सभी देशवासी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। भारत माता के गौरवगान तथा स्वाधीनता संग्राम के मंत्रों के रूप में हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम बंगाल की धरती से निकला और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हमारी आज़ादी की लड़ाई के आदि कवि बन गई है। आधुनिक युग में एक नई मानव चेतना जागृत करने वाले इसी बंगभूमि के सुपुत्र कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर ने देशवासियों को जनगण मन के राष्ट्रगान का उपहार दिया है। बंगाल की यही धरती जय हिंद का राष्ट्रीय जनघोष करने वाले उत्कल बंग के संगम स्वरूप नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रमुख कर्मस्थली भी रहा है। आज मुझे गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की जन्मस्थली और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कर्मस्थली में जाकर उन दोनों महान विभूतियों को स्वादर पुष्पांजलि करने की मुझे अवसर मिला। इसे मैं अपना परम सौभाग्य मानती हूँ। इस स्टेडियम का नाम नेताजी के नाम पर रखे जाने से ये स्टेडियम उनके महान आदर्शों का एक जीवंत प्रतीक बन गया है। देवियों और स्वजनों, आत्मसम्मान तथा राष्ट्र गौरव के लिए मर मिटने की भावना बंगाल की पहचान रही है। केवल 18 वर्ष की अल्पायु में भारत माता के लिए फांसी चढ़ जाने वाले खुदीराम बोस से जुड़ा ये गीत बंगाल के बच्चा बच्चा आज भी गाते हैं। एक बार विदाई दे माँ घूरे आसी, हसी हसी करबे फांसी देखबे भारतवासी। एक बार विदाई दे माँ घूरी आसी, हसी हसी परबे फांसी देखबे भारतवासी। खुदीराम बोस सहित विनोद बादल, दिनेश रास बिहारी बोस और श्री अरविंदो जैसे अनेक सूरवीरों तथा मातंगिनी हाजरा एवं कल्पना दत्त जैसे अनेक वीरांगनाओं की जन्मदात्री बंगभूमि को मैं सादर नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पण करती हूँ। महान कवि नाट्यकार श्री द्विजेंद्र लाल राय के गीत धन्य धन्य पुष्प भरा आमादेर इस वसुंधरा की एक पंक्ति सभी भारतवासियों के राष्ट्र गौरव को व्यक्त करती है। एमन देशटी कोथाओ खुजे पाव ना कि तुम्हें सकल देशेर रानी सोई जे आमार जन्मभूमि। बांग्ला भाषा मुझे बहुत ही मीठा लगती है, ये स्वीट लैंग्वेज। इसकी मिठास जो मेरे कान में पड़ती है तो मुझे लगता है कि मैं अपने गांव जिले के आसपास ही हूँ। इसका महक, इसका सुगंध मुझे, मिठास मुझे आकर्षित करता है और आनंदित देता है करता है। देवियों और स्वजन, आधुनिक इतिहास में भारतीय जन जन जागरण की ज्योति प्रकाशित करने वाले राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर का हमारा देश सदैव ऋणी रहेगा। त्याग और बलिदान, संस्कृति और शिक्षा इस बंगभूमि के जीवन आदर्श रहा है। यहाँ के लोग सुसंस्कृत और प्रबुद्ध होते हैं। बंगाल की धरती ने एक तरफ अमर क्रांतिकारियों को तो दूसरी तरफ विश्व स्तर के वैज्ञानिकों को जन्म दिया है। राजनीति में न्याय व्यवस्था तक, विज्ञान से दर्शन तक, आध्यात्म से खेलकूद तक, संस्कृति से व्यापार तक, पत्रकारिता से साहित्य, सिनेमा, संगीत, नाटक, चित्रकला तथा अन्य कला विधाओं तक अनेक क्षेत्रों ने नई मार्गों का संस्थान करने वाली बंगाल की विलक्षण प्रतिभाओं की सूची इतनी लंबी है कि उन सब का एक साथ उल्लेख करना संभव ही नहीं है। फिर भी देश की राजनीति को मार्गदर्शन देने वाले देशबंधु चित्तरंजन दास और डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी जैसे बंगाल के सपूतों के नाम का स्वतः स्मरण हो जाता है।
विश्व सिनेमा में सर्वोच्च स्तर पर सम्मान प्राप्त करने वाले भारत रत्न से सम्मानित श्री सत्यजीत राय तथा महानायक श्री उत्तम कुमार को भला कौन भूल सकता है। केवल बंगाल ही नहीं अपितु पूरे देश में खेल प्रेमियों के हृदय में बसने वाले श्री सौरभ गांगुली ने क्रिकेट जगत में अपना अनुपम स्थान बनाया है। हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न से सम्मानित श्री प्रणब मुखर्जी जी ने आधुनिक भारतीय राजनीति को अप्रतिम योगदान दिया है। वीरभूम स्थित अपने गांव मिराटी से उन्होंने लगातार संपर्क बनाए रखा। सफलता के उच्चतम शिखर पर पहुंचने के बाद भी बंगाल के लोग अपनी माटी से सुझाव बनाए रखते हैं तथा भारत माता के गौरव को बढ़ाते रहते हैं। इस विशेषता के लिए मैं बंगाल के लोगों की भावना और संस्कृति को सराहना करती हूँ, नमन करती हूँ। बंगाल के लोगों ने सामाजिक न्याय, समानता तथा आत्मसम्मान और आदर्शों को सदैव प्राथमिकता दी है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस स्टेडियम से थोड़ी ही दूर पर स्थित भूतपूर्व ईस्ट एक्सप्लानेट के एक मार्ग को सिद्धू कान्हू डहार के नाम दिया गया है। किसी भी एक नाम के लोगों की जुबान पर चढ़ने के थोड़ा समय लगता है। मुझे विश्वास है कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने के बंगाल के विरासत के अनुरूप इस राज्य के विशेषकर कोलकाता के संवेदनशील और प्रबुद्ध नागरिक सिद्धू कान्हू डहार के नाम का और अधिक उपयोग करेंगे। इससे हमारे स्वाधीनता संग्राम में आदर्शों को विशेषकर हमारे आदिवासी भाई भाई बहनों के आत्मविश्वास और आत्मगौरव का शक्ति मिलेगा। मैं आज बहुत खुश थी जब माननीय मुख्यमंत्री यहाँ जो आदिवासी कलाकारों के साथ खुद वाद्य यंत्रों को बजाना, साथ ही साथ नृत्य उनके साथ ताल के साथ ताल मिला के नृत्य करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत ही समानता का एक प्रतीक है। सभी को समान सम्मान देना, सभी को समान भाव से आदर करना, सभी संस्कृति को अपनाना, ये बहुत बड़ा कला चीफ मिनिस्टर के पास है। इसीलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। देवियों और स्वजन, राज्य सरकार द्वारा आयोजित इस अत्यंत प्रभावशाली नागरिक अभिनंदन के लिए राज्यपाल डॉक्टर सी वी आनंद बोस जी, मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी जी तथा प्रिय बंगवासी भाई बहनों को मैं हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। आज के समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सपन पहचान बनाने वाले बंगाल के प्रतिभाशाली लोगों से सम्मान प्राप्त करने में मैं अभिभूत हूँ। आज इस स्टेडियम में सभी कम्युनिटी का छात्र छात्री से लेकर के सभी कम्युनिटी के लोग यहाँ स्वागत करने के लिए मुझे देखने के लिए मुझे सम्मान देने के लिए यहाँ उपस्थित है। मैं आप लोगों से आभार हूँ, आपको मैं नमन करते हूँ। मेरे प्रति स्नेह, उत्साह और आदर का जो अनुभव मैंने यहाँ किया है उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। और मेरे पास धन्यवाद तो एक छोटी ही शब्द है, लेकिन मेरे पास पर्याप्त शब्द नहीं है। इस समारोह में मधुर स्मृतियाँ मेरे मानस पटल पर सदैव अंकित रहेगा। इसी भावना के साथ मैं बंगाल के सभी निवासियों के स्वर्णिम भविष्य की मंगल कामना करती हूँ और अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बांग्लादेश।